नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW24 न्यूज देख रहे हैं। कल जिस तरीके से बीजेपी के काफिले में वेस्ट बंगाल में हमला होता है और बीजेपी सारा का सारा जो ब्लेम है वो टीएमसी के ऊपर डालती है, हालांकि टीएमसी ये कहती हुई दिखाई देती है कि ये महज एक पॉलिटिकल स्टंट है जो बीजेपी कर रही है, जिसके बाद राजनीतिक जगत में हड़कंप मचता है। हर एक बड़े बड़े नेता, बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता जो हैं, वो राष्ट्रपति शासन में चुनाव की मांग कर रहे हैं अब बंगाल में। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लोजपा के जो मीडिया प्रभारी कृष्णा सिंह है, हालांकि इनको ज्यादातर लोग जो है वो कल्लू के नाम से जानते हैं, इनसे राय लेंगे कि वो किस तरह से देखते हैं जिस तरह से आए दिन इस तरह की जो घटनाएं हैं वो हो रही है, लगातार नेताओं पर जो है वो पत्थरबाजी की जा रही है, हमला किया जा रहा है, और जिस तरीके से बिहार चुनाव में भी लगातार देखा गया कि नेता और विधायक को जो है वो इस तरीके से मार के और उनके ऊपर उनके खिलाफ नारेबाजी करके भगाया जा रहा था, इस पर इनका क्या कहना है। स्वागत है हमारे चैनल में आपका। कल जिस तरीके से हमला होता है जेपी नड्डा के ऊपर और कई जो दिग्गज नेता हैं वो जो है हमले के शिकार भी होते हैं, उनको चोटें भी आती है, क्या कहना है आपका इस पर? पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त है, कहीं ना कहीं देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मेरा मांग है और आग्रह है कि पश्चिम बंगाल में अविलंब राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से वहां कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी पे जो आत्मघाती हमला जो करवाया गया, कहीं ना कहीं वहां के स्थानीय सरकार के मिलीभगत से, क्योंकि जब घर में कोई बच्चा गलती करता है तो उसका दोषन रोपण जो होता है उसके माता और पिता पे होता है, तो कहीं ना कहीं सरकार ममता बनर्जी जी का है। तो इस घटना की जितना भी निंदा की जाए वह कम है और इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने की हम मांग भी करते हैं और राष्ट्रपति शासन अभी लंब लगाया जाए। मान लीजिए कि जिस तरीके से बीजेपी के जितने भी तमाम नेता हैं वो इस घटना की निंदा भी कर रहे हैं, साथ ही राष्ट्रपति शासन में मांग कर रहे हैं कि चुनाव हो, लेकिन टीएमसी की तरफ से कल ये दावा किया गया है कि इस तरह की घटना जो है वो हम नहीं करेंगे, बीजेपी कहीं ना कहीं सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट और वोट बटोरने का ये एक कहीं ना कहीं कारण है उनका। नहीं, आप इसके पूर्व भी देख सकते हैं जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर जो है लगातार खराब आपको देख रहे हैं, 6 महीना पूर्व में भी आप देख लीजिए, फिर दुर्गा पूजा में आप देख लीजिए, सरस्वती पूजा में देख लीजिए किस तरीके का वहां पे जो गुंडा राज आप कह सकते हैं उसको, कि जो स्थिति उत्पन्न हो रही है और कहीं ना कहीं पूरे देश में जो है पश्चिम बंगाल जो स्टेट है वो कहीं ना कहीं एक मुद्दा हो जाता है, चाहे वो किसी पूजा धार्मिक का जो मामला है, जैसे दुर्गा पूजा में भी आपने देखा था उस दिन पहले, सरस्वती पूजा में भी आपने देखा था, तो कहीं ना कहीं हालात जो है बद से बदतर है और हालात को काबू में लाने के लिए वहां राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी है और वहां पे चुनाव भी है और इसलिए ही लगातार हम लोग वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं। हम अगर बंगाल की बात छोड़ के बिहार की बात करें, बिहार में भी आप आए दिन देख रहे होंगे आपराधिक घटनाएं बढ़ती चली जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार इस पर खामोश है। बिहार की जनता ये चाह रही है कि जिस तरीके से आए दिन चोरी डकैती है, बिहारी में आपने दरभंगा में भी देखा होगा दिन दहाड़े लूट हो गई, इस पर बिहार में क्या चाह रहे हैं आप लोग, किस तरह का जो है वो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सुधरे? देखिए, बिहार की 12 करोड़ आवाम जो 15 साल बनाम जो 15 साल लोग देख रहा है, तो लोगों ने नीतीश जी पे भरोसा जताया था लेकिन उस भरोसे पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खड़ा नहीं उतरे। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी समीक्षा बैठक करते हैं लॉ एंड ऑर्डर का और वहीं दूसरी तरफ 7 से 8 करोड़ का जो घटना जो घटा दरभंगा में, वो भी बहुत बड़ी घटना है, चुनौती है, राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता का भी कल हत्या हो जाता है, लगातार व्यवसायी जो चावल व्यवसायी हैं उनकी किडनैपिंग हो जाती है, आखिर लॉ एंड ऑर्डर जो है बिहार का पूरी तरीके से ध्वस्त है। और मैं यहां भी गृह मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि वो हस्तक्षेप कर और अपना एक रूख क्लियर करे,
क्योंकि बिहार की 12 करोड़ आवाम भी जो है यहाँ पे अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है। बिहार की आवाम ने जो मैंडेट दिया है उस मैंडेट पे नीतीश कुमार जी खड़ा कहां उतर रहे हैं? लगातार देख लीजिए कि आप लोग शादी विवाह में अपने घर से जा रहे हैं शादी विवाह में, और यहाँ पे घर में चोरी हो जा रही है। 12 करोड़ आवाम को नीतीश कुमार जी जवाब दें कि आखिर जनता ने जो उनको मैंडेट दिया, आखिर इसी के लिए थोड़ी मैंडेट दिया था कि वो सबके घरों में जिस तरीके से घटना हो रहा है, इस घटना के लिए थोड़ी लोगों ने उन्हें मैंडेट दिया था। चुनाव के पहले हमने लगातार देखा कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ निश्चय पे तो सवाल उठा ही रहे थे, साथ ही जो भी विकास हुआ उससे भी वो संतुष्ट नहीं थे। क्या लग रहा है अब चिराग पासवान क्या चाह रहे हैं, क्या रणनीति है अब आगे उनकी? लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, जब बिहारी फर्स्ट यात्रा को लेकर बिहार की आवाम के बीच जब गए तो वहां की आवाम ने उनसे पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि नीतीश कुमार की सरकार में काम हुई है, बहरहाल जो कार्य नहीं हुआ है उस कार्य को पूरा करना है। लेकिन नीतीश कुमार जी उसको कहने लगे कि चिराग हमारा आलोचना कर रहा है। नीतीश कुमार जी आलोचना चिराग पासवान नहीं कर रहे, आलोचना बिहार की आवाम कर रही है, उसको हिसाब चाहिए। जिस तरीके से 7 निश्चय का सवाल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो उठाया, कहीं ना कहीं चुनाव के 2-4 दिन पूर्व आपने देखा था वहां के ठेकेदारों के यहाँ आयकर विभाग की छापेमारी भी की गई थी और कहीं ना कहीं वो दोषी भी पाए गए थे। और अभी अगर उसका जांच हो जाए तो निश्चित मैं आपको बताता हूं कि बड़े बड़े अधिकारी उसमें फंसने जा रहे हैं, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। और रहा बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनना, तो हमारे नेता का प्रयास नहीं, ये बिहार की आवाम का प्रयास था। तो नीतीश कुमार जी कैसे कुर्सी पर बैठे हैं वो तो उनको बताना चाहिए। नैतिकता के आधार पर उन्हें सीएम शपथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैंडेट भी बिहार की आवाम ने उन्हें नहीं भारतीय जनता पार्टी को दिया है। तो अगर ये बैठे हुए हैं तो इसका वही जवाब बेहतर दे सकेंगे। चिराग पासवान चुनाव के वक्त ये भी कह रहे थे कि जदयू हारेगी, नीतीश कुमार हारेंगे और लोजपा और बीजेपी की जो है वो सरकार बनने जा रही है। अभी हाल ही में बीजेपी की तरफ से एक नेता का बयान आता है कि चिराग पासवान बीजेपी में है, ये कंफ्यूजन चुनाव के पहले से ही है, अभी भी है लोगों में, थोड़ा क्लियर करिए कि कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन की बात नहीं, देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हमेशा मीडिया के माध्यम से, तमाम कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये अवगत स्पष्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हमारा संबंध है अटूट है, और केंद्र में जो हमारा जो उनके साथ जो गठबंधन है बहुत ही अच्छा है और अटूट गठबंधन है, कहीं में कोई किंतु परंतु की बात नहीं। और अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर प्रेस वार्ता में, हर जनसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही अगली सरकार लोजपा की बनेगी स्पष्ट उन्होंने कहा। बहरहाल 12 करोड़ आवाम ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को भी मैंडेट दिया और लोक जनशक्ति पार्टी को भी कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज जो बढ़ा है और 25 लाख के आसपास जो हमारा जो मत मिला है, आशीर्वाद जो लोगों का आवाम का जो मिला, कहीं ना कहीं इससे हम गदगद हैं, खुश हैं कि हमारी पार्टी का जनाधार बढ़ा। हमारे पार्टी जो है एक सिद्धांत पे लड़ी थी, एक झंडे पे लड़ी थी, एक बैनर पे लड़ी थी, और चुनाव के दरमियान जिस तरीके का जो घटना घटा, हमारे अभिभावक आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी का जो निधन हुआ, ये बहुत ही दुखद घटना है। उस परिस्थिति में भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगर मजबूती से जो चुनाव लड़ा, ये उनको दाद देना पड़ेगा। बिहार की राजनीतिक गलियारों में एक ये भी है कि आरजेडी चाह रही है कि चिराग पासवान उनके साथ आ जाए उनके पार्टी में, और साथ ही ये भी खबर उठी थी राज्यसभा में जब चुनाव हो रहा था कि आरजेडी जो है वो समर्थन कर रही है रीना पासवान के खड़े होने का। बाद में ऐसा क्या हुआ कि अचानक से लोजपा ने जो है वो अपना पैर पीछे कर लिया? नहीं, देखिए मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया था आदरणीय नीतीश कुमार जी कि रामविलास पासवान जिस सीट पे गए हैं वो हमारा देन है। तो हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि नीतीश जी आप जिस सीट की बात करते हैं पापा सीट देके वो चले गए, आपको आपको वो सीट मुबारक हो। बहरहाल जिस सीट को रामविलास पासवान जी देकर चले गए
उस सीट पे लड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। नहीं, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया कि स्वर्गीय रामविलास पत्नी लीना पासवान साहब को मिले, लेकिन इसे साफ तौर से आदरणीय चिराग पासवान जी ने खारिज किया कि इस सीट से लोक जनशक्ति पार्टी का कोई भी प्रत्याशी उम्मीदवार नहीं होगा। ये क्या खबर सच है कि तेजस्वी यादव जो है वो लगातार चिराग पासवान को ऑफर कर रहे हैं कि आप आरजेडी के साथ जो है वो गठबंधन कर लीजिए तो उसमें उसमें फायदा होगा, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में ये भी बहुत खबरें हैं कि चिराग पासवान अब तेजस्वी यादव को ज्वाइन करने जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो ऑफर आया था उसको मैं स्वागत करता हूँ, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने इस तरीके का सोचा, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। बहरहाल भारतीय जनता के पार्टी के साथ लोक जनशक्ति पार्टी का अटूट गठबंधन है, वो टूटने वाली नहीं है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जिस तरह से किसान आंदोलन हो रहा है लगातार, आज 15-16 दिन हो गए दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, बिहार के किसानों के लिए विपक्ष जो है वो तो सड़कों पर आ रहा है, किसान भी उतर रहे हैं, लेकिन अभी तक सत्ता पक्ष का जो मुंह है वो बंद है किसान के मुद्दे पर। वो कह रही है किसान खुश है, किसान तो सड़क पर है ही नहीं। जिस दिन भारत बंद था उस दिन भी सुशील मोदी ने यही कहा कि जो भी उतर रहे सड़क पर उनमें से कोई भी किसान नहीं है, तो किसान कहाँ है जब सड़क पर किसान नहीं है। नहीं, देखिए किसान का जो समस्या था, और कोई समस्या को अगर हल करना है तो उसके लिए लोग वार्तालाप बैठ के करते हैं। विपक्ष का काम है, ठीक है, हुड़दंगई करना, लेकिन जिस तरीके से उनके द्वारा जो किया गया, आप देख सकती हैं कि किस एक ऐसा जिला जहां पे एक बच्चे की मौत हो जाती है वो हंगामा की वजह से, तो उसकी जवाबदेही तेजस्वी जो विपक्ष के तमाम नेता दें कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। जिस तरीके से होर्डिंग फाड़ा गया, बैनर को फाड़ा गया, क्षतिग्रस्त किया, कई गाड़ी को रोका गया, एम्बुलेंस को रोका गया, तो क्या विपक्ष का यही काम है? आप किसान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं किस तरीके का, और आम आदमी को और आम पब्लिक को आप दर्द पहुंचा रहे हैं, उसका तो जवाब आप दीजिए। आपको अगर किसान के हित ऐसी हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बैठ के बात क्यों नहीं करते हैं? किसी भी चीज का समाधान बैठकर ही होता है, न कि रोड पे हुड़दंगई करने से होता है। ये तो जंगल राज की वापसी उन्होंने स्पष्ट दिखा दिया है। तो तेजस्वी यादव को मैं कहना चाहता हूं, विपक्ष के तमाम नेताओं को, कि जिस तरीके से उन्होंने भारत बंद के नाम पर जो बिहार की जो लॉ एंड ऑर्डर को जो उन्होंने उस दिन खराब किया, उसकी वो जवाब दे ना। तो मतलब आपको भी यही लगता है कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पे वो कहीं ना कहीं सिर्फ विपक्षी हैं? नहीं बिल्कुल, आपको किसान के भाई उसमें नजर आए कहां? आपको हम तो पूछना चाहते हैं कि किसान के भाई उसमें स्पष्ट नजर नहीं है, और किसान के भाइयों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि हम बात करने के लिए उनसे तैयार हैं। जब किसी भी चीज का सोल्यूशन जब तक आदमी बैठता नहीं है, पांच बार की वार्ता में तो कोई निष्कर्ष निकला नहीं। एक और बात हुई उसको किसानों ने टाल दिया, कहा कि हमें ये तीनों ही विधेयक नहीं चाहिए, या तो वो वापस ले या फिर हम यही धरना देकर के बैठे रहेंगे। इनमें से बिहार के जो किसान है उनकी हालत सबसे खराब है। आप अगर डेटा की बात करें तो इनकम के रेट में बिहार सबसे नीचे है, तो क्या बिहार के किसान खुश हैं? देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, कोई भी लंबा जो कार्य होता है उसके लिए दो बार, चार बार, आठ बार, दस बार भी बैठकी होती है। आप प्रधानमंत्री जी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि अगर मान लीजिए पांच बार में सोल्यूशन नहीं हुआ, छह बार में होगा, सात बार में होगा, आठ बार में, बैठकर जब तक टॉप टेबल नहीं क्लियर कैसे आपका सोल्यूशन निकलेगा किसी भी चीज के लिए? अगर आप रोड पे आकर हंगामा कर देंगे तो उससे आपका समाधान तो नहीं हो जाएगा। इसलिए किसान भाइयों से आपके चैनल के माध्यम से मेरा यह पुनः आग्रह है कि वो बैठकर इस बिंदु पे अगर बात करें तो इस पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है वैकल्पिक व्यवस्था निकल ही जाएगा। अब बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का क्या आगे का क्या मोटिव है, क्या आगे करना? बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरीके से हम कमर कस लिया है, और मैं बता देना चाहता हूँ कि हम जो नया साल का जो आगाज होगा उस नए साल में हम लोग एक नया जो हम लोग का एक बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट है उसको हम लोग लेकर के बिहार की आवाम के बीच जाएंगे। और जिस तरीके से बिहार की आवाम ने माइंडेड जो दिया है उनमें धन्यवाद यात्रा के माध्यम से धन्यवाद भी ज्ञापन करूंगा, धन्यवाद भी दूंगा उन्हें जी। तो ये हमारे साथ कृष्णा सिंह थे जो LJP के मीडिया प्रभारी के साथ साथ प्रवक्ता भी हैं।
मोस्टली लोग इनको कल्लू के नाम से जानते हैं। हमारे साथ मौजूद थे, हर मुद्दे पर इन्होंने अपनी राय रखी है और ये भी कहा है कि जिस तरीके से बिहार की जनता जो है वो नीतीश कुमार से लगातार सवाल कर रही है लॉ एंड ऑर्डर पे, कहीं ना कहीं वाजिब है इसका सवाल नीतीश, इसका जवाब जो है वो नीतीश कुमार को ही देना पड़ेगा। और खासतौर पर जब जो कल हुआ वो घटना वाकई निंदनीय है, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हमला होता है बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं पर, उसके बाद ये कहना सच में सही होगा कि जिस तरह से ये लोकतंत्र की हत्या आए दिन हो रही है, इस पर सरकार की जो जवाबदेही है वो बनती है लॉ एंड ऑर्डर की बनती है, और अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है तो जवाब उनको देना पड़ेगा। बहरहाल हम और भी खबरें लेके आपके बीच आते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।